आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी रुकाम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। तो किसानों पर मोदी सरकार मेहरबान, इस मामले में पिछले साल का तोड़ा है रिकॉर्ड। मोदी सरकार किसानों के लिए हमेशा तत्पर रही है, वे किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो इसके लिए जो है मोदी सरकार पूरा ख्याल रखती है। वह गेहूं खरीद के मामले में सरकार ने जो है पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दरअसल मोदी सरकार ने साल जो है तेज पहल यहां पर रखी है, जिस तेज पहल से जो है लाखों किसानों को लाभ हुआ है। दरअसल गेहूँ की खरीद मार्केटिंग या 2024-25 में जो है पिछले साल से आगे यहाँ पर निकल गई है। ये इस दौरान जो है 262.48 लाख टन रही, जबकि पिछले साल की कुल खरीद जो है 262.02 लाख टन रही थी। वही मुख्य रूप से पंजाब हरियाणा से अच्छी जो है खरीद से कुल खरीद को बढ़ावा जो है वो मिला है। वही सरकार ने अपने एक बयान में यहाँ पर जो बयान जारी किया उसमें यहाँ पर सरकार ने कहा है कि इस यहाँ पर केंद्रीय भंडार के लिए जो 262.48 लाख टन रबी मौसम का अनाज जो है पहले से ही खरीदा जा चुका है। इसे जो है 59,775 करोड़ रुपए का न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ 22 लाख से अधिक किसानों को जो है लाभ हुआ है। वह बयान में कहा गया है कि पंजाब में 124 लाख टन और इसके अलावा हरियाणा में जो है 71 लाख टन और मध्य प्रदेश में 47 लाख टन और राजस्थान में 9.66 लाख टन और उत्तर प्रदेश में 9.07 लाख टन जो है वो खरीद की गई है। तो ये कुछ आंकड़े जो है वो सामने आए हैं। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो इस राज्य में सरकार ने किया है ऐलान, सभी को मिलेगा फ्री 100 यूनिट बिजली। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने जो है सोमवार को राज्य में मुफ्त बिजली का ऐलान किया। बीजू जनता दल ने बीजेडी की चीफ जो है नवीन पटनायक, उन्होंने जो है केंद्रपाड़ा में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जुलाई से जो है ओडिशा में किसी को भी जो है बिजली बिल नहीं देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बीजेडी सरकार लोगों को मुफ्त में जो है वो बिजली ओडिशा के अंदर देगी। दरअसल रैली में बीजेडी नेता और 5T चेयरमैन वीके पांड्यन भी मौजूद रहे। इस दौरान वीके पांड्यन ने कहा कि लोगों को राज्य सरकार की जो BSKY योजना जो है उसके तहत स्वास्थ्य लाभ जो है मिलता रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि लोगों को जो है मुफ्त बिजली भी जो है दी जाएगी। वही पांड्यन ने आगे दावा करते हुए कहा कि 9 जून को नवीन बाबू जो है मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ जो है वो लेंगे। वही बीजेडी जो है उसने अपने घोषणा पत्र में दोबारा सरकार बनाने पर 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का वादा किया। इसके साथ ही युवाओं को 1 लाख तक का बजट जारी करने का भी ऐलान किया है। युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए तक का बयान जारी करने की बात कही है। इसके अलावा बीजेडी सरकार की ओर से दोबारा सत्ता आने पर जो है SC/ST को जो है बिना ब्याज 20 लाख रुपए तक का कर्ज जो है वो दिया जाएगा। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। सोने की कीमतों में आई है तेजी, चांदी 1,000 रुपए से ज्यादा हुई है महंगी। सोना चांदी के रेट जो है उसमें उतराव चढ़ाव का दौर जारी है। पिछले हफ्ते गिरावट के बाद भारतीय सराफा बाजार में जो है सोना आज जो है वो सोना महंगा हुआ, चांदी महंगी हुई है। भारतीय सराफा बाजार में 10 ग्राम सोना महंगा होकर 72,820 रुपए के आसपास ये आ गया, यानी 72,820 रुपए ये हो गया। इसके अलावा चांदी की बात करें तो चांदी में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है और चांदी अब जो है फिलहाल चांदी जो है अब ये 6,400 रुपए में बिक रही है, यानी 6,400 रुपये में जो है यहाँ पर ये मिल रही है किलो की चांदी की, भाव फिलहाल चल रहा है। इसके अलावा दिल्ली सराफा बाजार में जो है सोने का भाव 220 रुपये तेजी के साथ ये 72,820 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। पिछले कारोबार सत्र में ये 72,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था। वही चांदी कीमत भी जो है बढ़ोतरी देखने को इसमें मिली है, चांदी कीमत में भी जो है फिलहाल बढ़ोतरी देखने को मिली है और 1,050 रुपये ये फिर महंगी यहाँ पर हो गई। तो सोना चांदी के दामों में जो है दोनों में जो है बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आगामी दिनों में जो बढ़ोतरी है जो है वो आगामी दिनों में और भी जारी रहने वाली है, फिलहाल यही आसार नजर आ रहे हैं। बाद हम कहते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, भारत पे और फोन पे के लफड़े को लेकर बड़ी खबर देखिए। फोन पे और भारत पे के बीच चल रहा ट्रेड मामला जो है वो उसके ऊपर यहाँ पर अभी पूर्ण विराम लग चुका है। कंपनी ने ये बात भी यहाँ पर बताई। दरअसल फिनटेक कंपनियां भारत में, दो कंपनियां जो है भारत पे और फोन पे, दोनों ने पे ट्रेडमार्क जो है उसको लंबे समय से चले आ रहे कानूनी विवादों को सुलझा दिया है। दरअसल काफी लंबे समय से भारत पे और फोन पे के बीच जो है पे ट्रेडमेंट को लेकर जो है कानूनी विवाद चल रहा था। अब ऐसा बताया जा रहा है कि दोनों उन्होंने जो है 5 साल से जो है चल रहे विवाद को सुलझा दिया है। दरअसल भारत पे और फोन पे पिछले 5 सालों के दौरान जो है कई अदालतों से चक्कर काटे, वही लंबे समय से चले आ रहे कानूनी विवादों पर विराम लगा दिया है। फोन पे और भारत पे के बीच में
जो एक समझौता जो है हुआ है इससे ये समाप्त यहाँ पर हो गया है। भारत पे और फोन पे ने जो अपने बयान में कहा कि लंबे समय से चले आ रहे सभी ट्रेडमार्क विवादों को अच्छे ढंग से सुलझा लिया गया है।